हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आप सभी के लिए मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आज के डे में। जैसा कि सभी को पता होगा, लास्ट डे अभी वीडियो एक वॉच करी होगी मेरी सभी ने टैली से रिलेटेड, जिसमें मैंने ये बताया है टैली कोर्स क्या है, कितनी ड्यूरेशन का होता है, क्यों करना चाहिए, तीन चीज़ें बताई हैं। और उसी की कुछ चीज़ें मिस हो गई थी लास्ट वीडियो में, काफ़ी सारे बच्चों की कमेंट्स भी रहीं, तो उसी बेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी का क्रिएट कर रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी के लिए। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे ताकि हर एक चीज़ सभी को समझ में आए। तो चलते हैं आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टैली कोर्स क्या है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसको कंप्लीट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं और इसकी फीस कितनी रहती है, ये सारे डाउट्स पे आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इन सारे डाउट्स पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करें टैली कोर्स की, तो टैली एक अकाउंटिंग कोर्स होता है जहाँ से आप इन्वेंट्री, स्टॉक मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, अमाउंट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड टैक्सेशन, जितने भी GST, TDS, TTS टैक्स होते हैं, ये सारे लगाने सीखते हैं। मतलब कि तीन मेन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, या टैली प्राइम में या टैली ERP 9 में सीखते हैं। टैली कहाँ से करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का रहता है। तो टैली कोर्स आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, बस देखें कि वो आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर होना चाहिए अंडर ऑफ गवर्नमेंट से, जहाँ से भी आप हैं, जिस स्टेट से भी आप हैं। ठीक है, और टैली कंप्लीट होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिले वो जहाँ तक पॉसिबल हो सके ऑनलाइन वेरीफाइड हो, ताकि गवर्नमेंट जॉब में भी वो अप्लाई हो सके। ठीक है, बात करें टैली की फीस कितनी रहती है, तो टैली जो कोर्स होता है 2 टाइप्स का होता है, पहला 3 मंथ्स, दूसरा 6 मंथ। जो 3 मंथ्स की फीस होती है मिनिमम आपकी 4000 होती है, एंड 6 मंथ की जो फीस होती है वो मिनिमम आपकी 6000 फीस रहती है। ठीक है, टैली 3 मंथ्स का जो होता है उसको बोलते हैं बेसिक टैली, और जो टैली 6 मंथ का होता है उसको बोलते हैं एडवांस टैली। 6 मंथ्स में आपको विद GST सीखना होता है, बेसिक में आपको सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग और इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको ट्रांजेक्शन सिखाए जाते हैं। यहाँ तक आपकी आई होप समझ में आ गया होगा सभी के। अब बात आती है इसकी योग्यता क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है करने की। तो अगर आप हाई स्कूल 11, 12th या ग्रेजुएट हैं तो आप टैली को कर सकते हैं, वो चाहे आप बेसिक टैली करें या आप एडवांस टैली करें। गॉट इट। बात करें इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती है, तो जैसे ही आपकी टैली कंप्लीट हो जाती है आप किसी भी ऑफिस में जॉब कर सकते हैं जहां पे आपका पैसों से रिलेटेड, ठीक है, स्टॉक्स से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हर जगह आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। खासकर इसकी जॉब आपको किसी बैंक, स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मिलती है, तो ये आपकी जॉब प्लेसमेंट्स रहती हैं। बाकी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं अगर आपको टैक्सेशन अच्छे से आता है, GST फाइलिंग भी आती है, तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज भी हायर कर लेती है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है, सर टैली मैंने कर ली, जॉब भी लग गई, तो सैलरी क्या होगी? तो मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर आप एक अच्छे टैली एक्सपर्ट हैं तो सैलरी कम से कम आपकी 15,000 to 40,000 तक रहती है। 15,000 से 40,000 तक आप महीने का कमा सकते हैं अगर आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, अगर अच्छी टैली आपको आती है सिर्फ टैली के बेस पे। तो दोस्तों, ये सारे डाउट्स आपके आए हो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्दी आपको दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब भी करना। और स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं BCC कोर्स के लिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए, तो मैंने अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स को लॉन्च कर रखा है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसका सर्टिफिकेट भी मैं अपने इंस्टीट्यूट से आपको अप्रूव करके देता हूं, जो कि ऑनलाइन वेरीफाइड होता है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में लगा सकते हैं। अगर इसके लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको बेसिक सर्टिफिकेट बना के दूंगा जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स होगा। कंडीशन इसकी क्या रहती है, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, उस पर आप जाके उस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कुछ भी पूछना है तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, बस कॉल से अलाउ नहीं, हमेशा मैसेज ही करना है, जब भी करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।